फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने जा रहा है हमारा नेक्सॉन के इस नॉब के ऊपर, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अभी हम बैठे हैं डार्क एडिशन के अंदर, तो हमको यहाँ पर जो है रियर वाइपर भी देखने को मिल जाता है जो कि पीछे की तरफ है, तो उसका कंट्रोल प्लस इसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी हमको देखने को मिलती है, उसके बारे में भी ये चीज़ ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या किस चीज़ का कंट्रोल है। तो फ्रंट में जो वाइपर्स होते हैं हमारे उसका, प्लस जो रियर का मैंने जैसे आपको दिखाया उसके कंट्रोल हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टोटल हमको नॉब के अंदर भी दो जगह स्लाइड करने का, पहली बात तो यहाँ पर कुछ भी पुश करने का नहीं है। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि यहाँ पर कुछ पुश करने को तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये कुछ पुश वगैरह नहीं होता, यहाँ पुल लिखा हुआ है, लेकिन पुल क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो डिफरेंट टाइप से करता है एक काम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। तो जब आप इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करोगे तो ये ऑपरेट होगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने ऑफ पे किया हुआ है, तो ऑफ से नीचे जो दिया हुआ देखो आप यहाँ वन टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप इसको एक बार इसको नीचे करोगे तो आप नीचे कर एक बार नीचे भी करते हो तो उसके बाद अपने आप जो है ऊपर आ जाता है, देखना भी नीचे रुकता नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे वन टाइम हमको वाइपर चलाने हो, मान लीजिए सामने वाला जो अपना ग्लास है वो गंदा हो चुका है, विंडशील्ड गंदी हो चुकी है, तो एक बार आपको चलाना है, आपने इस पर क्लिक किया और ये एक बार क्लीन कर देगा इसको। सेकंड तो ऑफ पे है ये भी ऑलरेडी, उसके बाद में ऑटो पे। तो ऑटो पे जैसे हम करते हैं इसको एक बार वन टाइम में खुद करता है, उसके बाद में रुक जाता है। अब ये ऑटो कब काम का है, अगर मान लीजिए आप बारिश के टाइम बाहर गए हैं, बारिश आ रही है, तो उस टाइम पे ऑन कर दीजिए, तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ये बारिश के हिसाब से और एडजस्ट कर लेगा स्पीड को, और अपने जैसे जैसे बारिश तेज आएगी तो स्पीड तेज कर देगा, और नॉर्मल आ रही तो नॉर्मल स्पीड में चलता रहेगा। सेंसर जो इसका वो यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पे, आप बाहर से भी देख सकते हो, बाहर से भी दिखा दूंगा आपको इसका सेंसर। तो उस सेंसर के हिसाब से ही ये रीडिंग लेता है और अकॉर्डिंगली जो है ऑटोमेटिक जो वाइपर हैं वो काम करते हैं। इसके बाद में आप ऊपर देखोगे तो इनके ऊपर दो ऑटो के ऊपर भी दो चीज़ें दी, दो लेयर्स दी हुई हैं। इनका मतलब है, अभी आप देखने कुछ समझ जाओगे, ये है लेवल वन, तो आपके जो वाइपर्स हैं स्पीड पे घूमते रहेंगे। इसके बाद में है सेकंड, ये है लेवल टू, इसमें मैक्सिमम स्पीड पे चल रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये दो चीज़ें दी हुई हैं। मैं इसको वापस से ऑफ पे कर देता हूँ। इसके बाद में बात कर लेते हैं, अब ये ऑटो जो फंक्शनलिटी है ये उन्हीं गाड़ियों के अंदर है जिनके अंदर जो है सनरूफ देखने को मिलती है हमको, तो टॉप मॉडल्स के अंदर, या फिर अगर आपके पास में XMS वगैरह मॉडल है तो उनके अंदर ही आपको ये ऑटो वाली फंक्शनलिटी मिलेगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। कुछ गाड़ियों के अंदर ये जो लेवल्स हैं ये तीन भी हैं, तो तीन का मतलब है लेवल वन पे सबसे स्लो, लेवल टू पे थोड़ा उससे तेज, और लेवल थ्री पे उससे भी तेज। अब बात करते हैं यहाँ पे हमको एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पे, तो ये भी एक ऊपर नीचे घूमता है, तो ये इंटेंसिटी है, बट ये मैंने कभी वर्किंग इसकी देखी नहीं है प्रॉपरली। ऑटोमेटिक वाले टाइम पे काम करती है, सेंसिटिविटी का है बेसिकली, कि सेंसिटिविटी कितनी आप करना चाहते हो। अगर जैसे अगर आप मिनिमम पे कर रही सेंसिटिविटी समझ जाओगे, बहुत थोड़ी बारिश गिरनी स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये वाइपर जो है हमारे चलना स्टार्ट करेंगे फ्रंट वाले। और अगर अपन सेंसिटिव इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देंगे, मैक्सिमम लेवल पे कर देंगे सेंसिटिव, तो छोटी सी बूंद गिरती है तो ये फटाफट ट्रिगर हो जाएगा और फटाफट ये चालू हो जाएगा, तो उसको अपन मिनिमम पे कर देते हैं। इसका मैंने कभी बारिश के टाइम पे यूज़ करके देखा, लेकिन मुझे कभी इफेक्टिव लगा नहीं है, कभी पता ही नहीं पड़ा कैसे काम करता है। इसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं कंट्रोल्स रियर वाइपर के, रियर वाइपर के कंट्रोल्स हैं। ये रियर वाइपर के कंट्रोल्स उन्हीं गाड़ियों के अंदर दिए हुए होंगे जिन गाड़ियों के अंदर हमको पीछे की तरफ वाइपर जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी डार्क एडिशन में हो तो आपको वाइपर दिख रहा होगा। अब इसका कंट्रोल किस तरीके से है मैं इसकी वर्किंग बताया तो आपको पहले ही, क्योंकि दिखाने में एक साथ दिखा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा, साथ ही में फ्लूइड है जो आपकी गाड़ी के अंदर डाला होता है पानी, कुछ लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग उसमें मिक्स भी करते हैं, विंडशील्ड वॉशर जिसको हम बोलते हैं। तो ये पानी के साथ में वाइपर चलेगा ऊपर वाला, अगर ऊपर की तरफ हम करते हैं तो। नीचे की तरफ हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि कंटिन्यूसली आपको वाइपर चलाना हो तो ये उसके लिए है। इसके बाद सबसे नीचे दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपका जो पानी है वो भी लगातार आता रहेगा, प्लस आपका जो वाइपर है वो भी लगातार चलता रहेगा। अभी आप डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हो गए। तो सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको इस मिरर से भी दिख जाए वो चीज़ कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं, ऊपर वाला करने पे देखोगे आप पीछे की तरफ जो अपना पानी है वो भी आने लग गया, प्लस वाइपर भी अपना चलने लग गया। अब आपको आप इसको जितनी देर पकड़ के रहोगे उतनी देर ये काम करेगा, और जैसे छोड़ोगे तो ये अपने आप जो है ऑफ हो जाएगा, और ऑफ होते ही पीछे की तरफ वाइपर जो है सेम टाइम पर रुक जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आप मान लीजिए बारिश आई, आपको किसी पीछे वाला जो कांच है वो साफ करना है, तो आपको पानी नहीं चलाना है, तो आप इस पर कर दो डायरेक्ट, इस पर करते ही पीछे की तरफ आपका वाइपर चलता रहेगा, ठीक है। अभी अपने आप बंद नहीं होगा, आपको खुद को ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में देखिए, थर्ड के अंदर क्या है, आप क्लिक करोगे, इसमें भी ऑफिस ऑफ अपने आप ऑफ होने का फीचर है। पहले बार देख लो आप किस तरीके से काम कर रहा है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, और जैसे छोड़ोगे आप तो वापस आ जाएगा और आप वाइपर चलता रहेगा। अब इसके अंदर और इसके ऊपर वाले के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है,
बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस यहाँ आता है कि अगर आप मान लीजिए सिर्फ आपको एक बार वॉश करना है तो आप सेंटर से डायरेक्ट ऊपर की तरफ इसको घुमाओ और घुमाते ही पीछे वो पानी चालू कर देगा और वाइप कर देगा। अगर आप बारिश आ रही है उस टाइम पे आपने चालू आपको चालू कर रहे तो आप हमेशा चालू रखोगे इसको, और फिर साथ ही अगर आपको पानी भी भरवाना है इसके ऊपर तो तब आप इसको यूज़ करेंगे। तो चाहते तो दोनों चीज़ एक साथ भी कर सकते थे बट उन्होंने अलग अलग दिया है, अच्छी चीज़ है, चलो अपने काम की चीज़ है। अब एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया हूँ, वो है वाइपर फ्लूइड फ्रंट का कैसे चलेगा। तो फ्रंट का चलाने के लिए अभी हमने कैसे देख लिया, ये इस तरीके से ऊपर नीचे करने का हमने देख लिया है, ये इस चीज़ को घुमाने का देख लिया है। अब जो है इसको आप स्टीयरिंग की तरफ पुल करोगे तो क्या होता है, तब हमारा जो वॉशर है सामने वाला वो काम करता है, अब देखना। और जैसे वॉशर चलता है उसे कुछ एक या दो एक्स्ट्रा आपको वाइप करता है, साथ में तो चलेगा वाइपर, और कुछ टाइम बाद में एक दो बार एक्स्ट्रा भी चलता है, और कुछ देर रुक के करीबन 5 सेकंड गैप लेके फिर वापस चलता है, क्योंकि जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं ऊपर की तरफ वो नीचे आने लगती हैं तो उसको भी लास्ट टाइम वाइप कर देता है। तो ये कंप्लीट जो है आपका इस नॉब का एक्सप्लेनेशन था, इसके अंदर और कोई चीज़ रही नहीं है। फिर भी आपको कोई डाउट हो इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं हमसे, और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू।